खंडवा के छैगांव माखन स्थित कन्या छात्रावास में रहने वाली छात्राएं परछाई दिखाई देने मात्र से डरने लगी है। इस अज्ञात भय की वजह से 23 बालिकाएं हॉस्टल से छुट्टी लेकर अपने घर जा चुकी है। हमने इसी भय के पीछे की वजह को जानने की कोशिश की। छात्राओं के हॉस्टल पहुंच सभी से बात की तो कुछ और ही समस्या सामने आई। दरअसल हॉस्टल के सामने से शमशान घाट की ओर जाने वाले रास्ते से शव यात्रा निकाली जाती है। ग्रामीण इस शव को हॉस्टल के समीप की पुलिया पर रख बोर चिंदी की क्रिया करते हैं। हिंदू धर्म में शव यात्रा के दौरान शमशान पहुंचने से पूर्व शव को नियत स्थान पर रख बोर चिंदी की क्रिया की जाती है, जिसमें परंपरा अनुसार शव को एक स्थान पर रखकर कफन से कपड़ा निकालकर उसमें एक सिक्का बांधकर दान किया जाता है, अर्थात प्राचीन प्रथा अनुसार राजा हरिश्चंद्र का टैक्स चुकाया जाता है। ऐसा ही कुछ होता है छात्रावास के ठीक सामने, जहां शवों को रख बोर चिंदी की क्रिया की जाती है। हॉस्टल की खिड़की से यह सब कुछ साफ दिखाई देता है, जिससे बालिकाओं के कोमल मन पर विपरीत असर होता है। बालिकाओं ने बताया कि उनके भय की मुख्य वजह यही क्रिया है, क्योंकि वे अक्सर हॉस्टल के सामने होने वाली इस प्रथा को देखती है। सर, पहली बात यह है कि हमारे हॉस्टल में ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है और ऐसा होता भी नहीं। हम भी 4 साल से रह रहे, हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा और ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि गांव से जो डेड बॉडी ले जाते हैं उसको वो लोग यहाँ पर उतारते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और बहुत थोड़ी देर तक वो यहाँ पर खड़े रहते हैं, तो इसलिए वो हम देखते हैं, खिड़कियों से भी दिखता है और बाहर से भी दिखता है, तो उसका हमारे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमारी मांग है कि सरकार द्वारा या और भी ऐसे कुछ इससे उसको उसकी स्थान चेंज कर दे, ताकि ऐसा न हमको दिखे और ऐसा नहीं हो। छात्राओं सहित हॉस्टल प्रशासन चाहता है कि हॉस्टल के सामने शवों को रखने की प्रक्रिया बंद की जाए। सर, बच्चे डरते हैं और हम बस यही चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर जो शव उतारते हैं वो यहाँ पर ना उतारे जाए। हॉस्टल में किसी प्रकार की कोई भय वाली बात नहीं है। हमारा हॉस्टल में यहाँ से 4 वर्ष से हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये बताइए, सामने जो बोर चिंदी है, बोर चिंदी का क्या बुरा असर पड़ता है? बच्चे क्या देखते हैं और क्या असर पड़ता है? वो जब देखते हैं और वो सब कलर वो जो ले जाते हैं मृतक को, तो वो उसको पूरा देखते हैं, तो उसको उनकी मानसिकता पे प्रभाव पड़ता है। सर, मैं प्रशासन को लिख करके दूंगी कि मेरे हॉस्टल के साइड में जो बोर चिंदी बनाई हुई है और जहाँ पे वहाँ पे सब उतारे जाते हैं, तो वहाँ पे ना उतारे जाए, क्योंकि हमारे बच्चे उससे उसको देखकर डर जाते हैं। आपका नाम और पद बता दीजिए। सर, मेरा नाम दीप्ति जगताप है, मैं अधीक्षिका हूँ नवीन सीनियर कन्या छात्रावास छैगांव माखन। छात्राओं के मन से भूत का भय निकालने के लिए काउंसलिंग करने वाले गणेश कनाड़े सहित हॉस्टल की चौकीदार वार्डन से भी बात की। उन्होंने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि हॉस्टल के सामने मुर्दे रखने बंद किए जाए तो बालिकाओं के भयभीत होने के सिलसिले में कमी आएगी। बच्चों से हमने जो बातचीत की तो बच्चों का जो तनाव था वो उसकी मुख्य वजह जो यहाँ पे जो जानकारी में आई कि यहाँ मेन रोड जो है इंदौर रोड और छैगांव जो बड़ा एक गाँव है, उस गाँव से जो भी डेड बॉडी होती है उसको फ्यूनरल के लिए ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, तो इसी मार्ग से ले जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि सामाजिक परंपरा है कि गांव के काकड़ पर जो है बेर के पेड़ के पास में उस शव को उतारा जाता है और कंधे बदले जाते हैं, और जो वहाँ एक बेर का पेड़ होता है उस पर उस शव का जो है कुछ कपड़ा निकाल करके और उस बेर के पेड़ पर चढ़ाया जाता है, यानी टैक्स के स्वरूप उसको दिया जाता है और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो यहाँ डेली नियमित होता है, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है और शव को जो अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं तो इसी स्थान पर उतारते हैं, वो छात्रावास के बिल्कुल ठीक सामने पड़ता है रोड पर। तो बच्चियाँ जब भी यहाँ से खिड़की में से रोड की तरफ देखती या दरवाजे पर से या परिसर में, तो उन्हें वो प्रक्रिया जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो देखने को मिलती है। तो बहुत सारी बच्चियाँ तो नहीं डरती है, लेकिन कुछ बच्चियाँ ऐसी होती है जो रोज रोज देख कर उस नकारात्मक चीज को देखती है और उनके मन में भय व्याप्त होता है। तो हमें बच्चियों के साथ में जब हमने खुलकर बातचीत की अल्पविराम कार्यक्रम के माध्यम से, और हमारा एक टूल से चिंता का दायरा, प्रभाव का दायरा, तो उसके माध्यम से हमने उनकी समस्याओं को, उनकी चिंताओं को समझने का प्रयास किया, उनके अंदर से निकाला, तो उनकी ये चिंता निकली कि ये जो शव दाह के लिए यहाँ से जो शव ले जाए जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो वो जो यहाँ उतारते हैं उस स्थान को बदल दिया जाए, तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया है। बोर चिंदी पहले वहाँ खड़े मुर्दे लाते थे, वहाँ उतारते थे, और उनको पहले बार हमने चिल्लाया
हॉस्टल थी पहले दीदी के पास, तो वहाँ से उनने बंद करा तो यहाँ रखते हैं। तो कुछ बार उनको यहाँ से मैंने चिल्लाया, वो लोग इतने सारे सुनते थोड़ी है। आप लोग क्या मांग करते हैं, बच्चों पे बुरा असर होता है? हाँ, बच्चों को बुरा असर होता है, हमेशा बच्चे बाहर तो निकलते रहते हैं। तो मेरी मांग है कि ये लोगों को बोला जाए तो यहाँ कई ऐसे मुर्दे उतारा जाए। मतलब एक यहाँ सिर्फ हॉस्टल में कोई बात कुछ नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, बच्चों के साथ में 24 घंटा रहती हूँ, घर में छुट्टी में अकेली महिलाएं सोती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बच्चों को जो बाहर से जो उनको कहीं ऐसा भय लगता है। हाँ, और क्या। तो खंडवा से अनंत महेश्वरी की रिपोर्ट।